रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए के कैडर में उत्साह देखने को मिला, देखिए अब ये स्वाभाविक सी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री जी के नाम पर, एनडीए गठबंधन के नाम पर लोगों में उत्साह है। कई ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री जी की गरीब जन कल्याण योजना से जिनको लाभ मिला है और वो आज भी पूरे समर्पण भाव से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, हमारी केंद्र सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। एक बड़ी आबादी है देश की और जिसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देता हूं, जहां देश में एक बड़ी आबादी है, जहां आज से पहले कई जगहों पर भुखमरी जैसे हालात देखने को मिलते थे, विभिन्न तरीके के अनाज को लेकर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वहीं देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना में से एक प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जिस तरीके से देश में 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन मिल रहा है, लोगों का वो भाव कि किसी ने उनकी चिंता की, ये प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रकट होता है। उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, तमाम तरीके की शौचालय, बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट इनका ध्यान प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखने वाले, अटूट विश्वास रखने वालों की एक बड़ी संख्या है जो चाहते हैं कि केंद्र की ये एनडीए की सरकार बनी रहे। ऐसे में ये उत्साह एनडीए के उस कैडर के द्वारा देखा गया है, एनडीए के उस वोटर के माध्यम से देखा गया है जो कि धूप गर्मी की चिंता किए बिना जिन्होंने बाहर निकलने का कार्य किया। निराशा जरूर विपक्षी खेमे में है, विपक्षी खेमे में निराशा के कारण भी है, जहां एक तरफ गठबंधन में कई तरीके के विरोधाभास दिखते हैं। अब पहले चरण को ही आप देख लीजिए, जिस तरीके से गठबंधन के दूसरे साथियों से पूछे बिना ही पहले चरण के सिंबल एक दल के द्वारा बांट दिए गए और जो कहीं ना कहीं विरोधाभास चुनाव प्रचार में भी देखने को मिला। गठबंधन के कई ऐसे दल थे जो अपने साथियों के लिए प्रचार में नहीं गए, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, वाम दलों का कोई बड़ा नेता प्रचार में नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे पहले चरण का के प्रचार में विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं, मात्र 1-1.5 दल के लोग प्रचार में लगे हुए थे, उसके अलावा कोई बड़ा नेता केंद्रीय स्तर का। और मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि पूरे एक राज्य की आप अनदेखी कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस भाई मान लिया आप नहीं, किसी से उस पर आपका वो था, पर ऐसे में आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बिहार में आना तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और ये वो लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री पे ताने देते हैं कि भैया क्यों प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार जा रहे हैं, डर गए हैं क्या? तो आप बिहार नहीं आ रहे तो मतलब क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं? भाई एनडीए गठबंधन हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेता है, कई बार हम लोगों के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि हम लोग छोटे छोटे चुनाव को भी क्यों इतनी गंभीरता से लेते हैं। पर लोकतंत्र में जरूरी है हर चुनाव के महत्व को समझना। ऐसे में इतना ज्यादा इग्नोर करना किसी एक फेज को, मुझे लगता है ये विपक्षी दलों के गठबंधन को, अब वो महागठबंधन है, यूपीए है, इंडिया अलायंस है, जो भी इन लोगों का नाम है, इन लोगों को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। बिहार की जनता ने इस बात को महसूस किया है कि विपक्षी गठबंधन में एकता का अभाव है, एक दूसरे के प्रति लोग प्रचार में आने से कतरा रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस का जो भी थोड़ा बहुत कार्डर है वो क्यों उत्साहित होगा? उसने अपने नेता को देखा ही नहीं यहाँ पे, और तो और उनके प्रदेश के स्तर के भी नेता, जो मेरी जानकारी है, संभवतः गलत हो सकती है, पर जो मेरी जानकारी है उनके तो प्रदेश स्तर के भी नेता गठबंधन के सहयोगियों के लिए प्रचार में नहीं गए, तो ऐसे में उनका कार्डर क्यों एक्साइटेड होगा? वाम दलों का वोटर क्यों एक्साइटेड होगा? और जिस तरीके से जिस दल के नेता प्रचार में व्यस्त है, जिन्होंने मेहनत की, उनका हुड़दंग और उनकी दबंगई भी हम लोगों ने देखी।
जिस तरीके से चुनाव में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, पुनः 90 का वो दशक हम लोग को देखने को मिला जहां पे मां बहनों को गाली दी जाती है, जहां पे लोगों को सरेआम बेइज्जत किया जाता है। एक के बाद एक कई ऐसे उदाहरण सामने आए। जिस विषय का मैं जिक्र कर रहा हूं आप लोगों से छुपा नहीं है, आप सबने उन तस्वीरों को देखा, उस वीडियो को आपने देखा जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनको मैं मेरा छोटा भाई मानता था, वो मंच पर मौजूद थे और उनके सामने जिस तरीके से मेरे परिवार के लोगों को गाली दी गई। और अफसोस इस बात का मुझे ज्यादा कि जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया गया। भाई हो सकता है कि तुरंत आपके बुद्धि विवेक आपकी चेतना को ये समझ में नहीं आया होगा कि हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी इंसान के नेचुरल रिफ्लेक्सेस तुरंत काम नहीं करते हैं, स्पॉन्टेनियसली क्या रिएक्ट करना है नहीं करना है, नहीं वो रिएक्शन आता है। पर सोचा समझा रिएक्शन भी ऐसा कि ऐसी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए ना, कोई एक ऐसा स्वाभिमानी इंसान जो अपनी मां बहन को गाली सुने और वो खामोश रह जाए और उसको ये कहा जाए कि छोटी बात है इसको तूल मत दो, कौन आदमी बर्दाश्त करेगा? मैं किसी के प्रति पर्सनल नहीं हो रहा, पर एक बार के लिए अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखिए। जब आप ऐसे ऐसे शब्द जो हम लोग बोल नहीं सकते, जो बिना बीप के आप लोग अपने चैनल पे दिखा नहीं सकते, ये शब्द एक बार सोचिए, अगर आपके परिवार के बारे में कोई बोले खून नहीं खोलेगा? उसके बावजूद मैं इतना मर्यादित होकर, इतना संयमित होकर अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। पर हर किसी की एक सीमा होती है सहन शक्ति की। मैं जिस परिवार से आता हूं मुझ में बहुत संयम है, बहुत धैर्य है, पर संयम और धैर्य की ऐसी भी परीक्षा ना ली जाए कि आपकी मां बहन को आपके सामने बेइज्जत किया जाए और आपसे उम्मीद रखी जाए कि इन बातों को तूल ना दिया जाए। प्रतिक्रिया में कहा जाता है कि हमने सुना नहीं, लीपा पोती, सिंपल सा जवाब था इसका कि अगर ऐसा हुआ है कड़ी कार्रवाई होगी, बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये घटना। पर जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा था, साफ स्पष्ट हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं दाढ़ी में कुछ, दाल में कुछ काला है, दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है जिसको आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और मैं बार बार मैं कहता हूं कि अगर मैं उस मंच पर होता और मेरे सामने ऐसी घटना घटती, राबड़ी देवी जी आज भी मेरी मां है, मेरी बहनें हैं उस परिवार में। ये रिश्ता जिसको लेकर आप लोगों ने कई बार मुझ पर आरोप लगाए, इसी जगह पर बार बार आप लोगों ने मुझ पर कहा कि आप क्यों लालू परिवार के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं रिश्ते निभाने हम लोग को सिखाए जाते हैं, मैं जिस परिवार से आता हूं वहां पे रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखना हम लोग को सिखाया जाता है, और मैंने हमेशा वही प्रयास किया। राजनीतिक मंच पे कड़े से कड़ा विरोध किया, पर कभी किसी के भी विषय में मैं व्यक्तिगत नहीं हुआ। पर यहां पर ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे परिवार को लेकर व्यक्तिगत हुआ गया। और उसके बाद जिस तरीके से मेरी बहनों के द्वारा भी इसकी लीपापोती करने का प्रयास किया गया, मीसा दी बाकी नेताओं के बयानों को दिखाकर मेरी मां को दी गई काली को जस्टिफाई करते हैं, मेरी बाकी की बहनें बाकी दलों के नेताओं के द्वारा कही गई बातों को लेकर, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर व्हेन आई से दिस, टिप्पणी और गाली में बहुत फर्क है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।